मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में जब मुजफ्फरपुर की पास्को कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाज कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव है उनके ऊपर जांच की बात कही थी, अब उस मुद्दे की गूंज बिहार विधानसभा में दिख रही है। विपक्ष ने पहले सदन के बाहर हंगामा किया, फिर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए जिस तरीके से विपक्ष बेल के अंदर पहुंच गया था और हंगामा कर रहे थे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो सीधे विधानसभा से बाहर निकले हैं और विधानसभा परिषद में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति लगी है उस मूर्ति के नीचे धरना पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके मिली भगत से जब मुजफ्फरपुर का पूरा जो बालिका गृह कांड जो हुआ था वो इनके संरक्षण में हुआ है, और तब जाके सीबीआई कोर्ट ने पहले फटकार लगाई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई, जिसके बाद अब पास्को कोर्ट ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अब साफ हो गया, इसकी आवाज हम शुरू से उठा रहे थे लेकिन आवाज को दबाया जा रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार हो गया, इन पर जांच का भी आदेश हो गया है। अब ये मैटर दबा दे तो अलग बात, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, ये इन्वॉल्व है, ये देश के ये प्रदेश के चौकीदार है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्हें इस्तीफा देना होगा अथवा जवाब। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफे कर देना चाहिए और उनका नार्को टेस्ट भी कर रहे हैं। राजद सहित तमाम विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं लेगी, जब तक सदन से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, तब तक उनका हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा। गणेश सम्राट, न्यूज फॉर नेशन, पटना।